आप देख रहे हैं BC24 न्यूज एक्सप्रेस में सीतल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अंधी हत्या का हुआ खुलासा, तीनों आरोपी को चंद घंटों में धर दबोचा। हमारे संवाददाता द्वारा प्राप्त जानकारी पर गढ़ा थाना प्रभारी राकेश तिवारी ने बताया कि सुमित गुप्ता की हत्या की सूचना पर पुलिस द्वारा अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 302 भादवी का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। CCTV फुटेज से मिलते जुलते तीन लड़के खड़े दिखाई दिए। पुलिस को देखकर तीनों भागने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। नाम पता पूछने पर तीनों ने अपने नाम अनिकेत दहायत, प्रिंस श्रीवास्तव एवं सोमेश तिवारी, तीनों को अभिरक्षा में लेते हुए सघन पूछताछ करने पर तीनों ने सुमित गुप्ता की हत्या करना स्वीकार किया। MBCG24 न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो चीफ राजकुमार यादव के साथ संवाददाता शिवानी बेन की रिपोर्ट। लगभग 1:30-2 बजे मुझे पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई कि पंचपटा मंदिर के पीछे ताम्रकार बाड़े में एक व्यक्ति की हत्या हो गई है और वह व्यक्ति उसके मकान के छत में पड़ा हुआ है। सूचना प्राप्त होने पर मेरे द्वारा तत्काल जो है हमारे थाने की पेट्रोलिंग और जो रस चेक अधिकारी है, ड्यूटी ऑफिसर है और जो घरों में मेरे जो सब इंस्पेक्टर जो अपने रेजिडेंस में थे उनके सबको सूचना देकर मौके पर पहुंचने के लिए मेरे द्वारा कहा गया एवं वरिष्ठ अधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना दी गई और मैं खुद भी जो है मौके पर रवाना हुआ। लगभग आधे घंटे के अंदर मैं भी पहुँच गया और मौके पर पहुँच के जो मृतक का नाम वहाँ उपस्थित शुभम गुप्ता जो मृतक का छोटा भाई था वो मिला, उसने बताया और उसने बताया कि ये मृतक जो है जयंती कॉम्प्लेक्स में मोबाइल के स्पेयर पार्ट्स बेचने का प्रोग्राम डिटेल का काम करता है और इसका वैसे किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है। और भी जो विवेचना संबंधित बात जानकारी ली और मौके पे देखा तो मौके पे इसके करीब 14 घाव चाकू के 13-14 घाव बॉडी में थे, चेहरे में 5-6 घाव थे और बॉडी में पीठ में सब जगह हैवी ब्लीडिंग हुई थी, काफ़ी रक्त सार जिससे मौके पर इसकी मृत्यु हो गई थी। घटना लगभग 1:15 बजे की है।